यूपी चुनाव के सबसे चर्चित शो अध्यक्ष जी में आपका स्वागत है। जी हां, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं और उनसे सवाल करेंगे गाजीपुर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक क्या होने वाला है यूपी चुनाव में। अखिलेश जी, गाजीपुर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली तक है, वहां किसान बैठे हैं, क्या होने वाला है इस बार? पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस जिले से हम लोग चले हैं, गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर जो वहाँ किसान बैठे रहे, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। नौजवान से लेकर के व्यापारी, किसान, मजदूर, ये सब इस बार बदलाव चाहते हैं और 22 में बदलाव होके रहेगा। सवाल आज महंगाई का है, बेरोजगारी का है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के साथ धोखा दिया, जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिए, राष्ट्रपति दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा जिताया, दो बार जिताया, आखिर उत्तर प्रदेश को मिला क्या? आज बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इस सवाल का जवाब है कि डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है? लेकिन एक सवाल है कि आपने कैंची की बात की, फीता की बात की, दिल्ली से आया, भोपाल से आया, ये आपने शेरो शायरी के अंदाज में क्या बोला? इसलिए बताया क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है न केवल यहाँ के शहरों को जोड़ेगा, गांव जुड़ेंगे इससे, मंडियां बन जाएंगी, तो यहाँ के किसानों को कम से कम उनकी पैदावार की सही कीमत मिलेगी। अगर कल कारखाने, उद्योग या कारोबार शुरू होता है तो रोजगार और नौकरी मिलेगी। ये तमाम सवालों को लेकर के इसलिए कहा कि बीजेपी का एक्सप्रेसवे नहीं है, ये केवल नाम बदलने वाली सरकार है, रंग बदलने वाली सरकार है, शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली सरकार है, उद्घाटन का उद्घाटन करने वाली सरकार है। ये एक्सप्रेसवे उनका नहीं है, इसलिए क्यों ला रहे हैं फीता, क्यों ला रहे हैं कैंची? अखिलेश जी, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो विकास की गाथा लिखेगा, फाइटर प्लेन यहाँ उड़े, तमाम चीजें हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चारों तरफ निवेश होगा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि विकास की गंगा बहेगी, तो आधा अधूरा कहाँ? ये हवाई जहाज उतरे हैं, समाजवादी सरकार में 5 साल पहले मिराज और सुखोई उतर चुके हैं, तो आखिरकार समाजवादी पार्टी को ही फॉलो कर रहे हैं। जो काम समाजवादी पार्टी 5 साल पहले की, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आखिरकार इसके किनारे मंडी क्यों नहीं है? आखिरकार इसके किनारे कोई शौचालय जाना चाहे वो क्यों नहीं है? पेट्रोल पंप क्यों नहीं है? सर्विस लेन अभी भी अधूरी है, लाइटें अधूरी हैं। जो इसका सड़क का डिवाइडर बनना था वो चौड़ा था, तो चौड़ा क्यों नहीं है? पेड़ का क्यों नहीं लगे? तो आधे अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे तब किसानों को लाभ पहुँचाएगा जब यहाँ पर मंडी हो, पैदावार की कीमत देने का स्थान।